बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लास्ट लेक्चर में हमने इन्फ्लेशन टारगेटिंग के एडवांटेजेस डिस्कस किए इस लेक्चर में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और कुछ फर्दर एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग स्ट्रेटजी के अब जो नेक्स्ट एडवांटेज है जो कि थर्ड एडवांटेज है वो अकाउंटेबिलिटी का है कि सेंट्रल बैंक अकाउंटेबल होता है और याद रखें जो ट्रांसपेरेंसी जो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके और उसके बेनिफिट्स भी डिस्कस कर चुके ट्रांसपेरेंट मॉनिटरी पॉलिसी डिसीजंस का क्या फायदा होता है तो जो कम्युनिकेशन या ट्रांसपेरेंसी होती है वो और अकाउंटेबिलिटी पैरेलल चलते हैं देखे ना जब आपकी बात क्लियर हो गई कि सेंट्रल बैंक का यह ऑब्जेक्टिव है ये टारगेट्स हैं और आपको पता चल रहा है कि सेंट्रल बैंक टारगेट अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा तो जब नहीं कर रहा तो अकाउंटेबिलिटी आएगी तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पैरेलल चलते हैं तो ये बेनिफिट है कि सेंट्रल बैंक कोई टारगेट नहीं मिस करेगा अगर वो टारगेट मिस करेगा तो अकाउंटेबल होगा तो इसलिए अब इसकी एग्जाम्पल्स दुनिया में मौजूद हैं। जैसे आपने देखा कि न्यूजीलैंड जो फर्स्ट इन्फ्लेशन टारगेटिंग कंट्री है वो न्यूजीलैंड है जिसने सबसे पहले ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की वहां पे क्या होता है कि आपके सेंट्रल बैंक का गवर्नर फारिग हो जाता है इस बात पे कि अगर इन्फ्लेशन का टारगेट इवन सिंगल क्वार्टर के लिए भी अचीव ना हुआ हो अब ये जेन में रख लें कि इसका ये मतलब नहीं है कि टारगेट नहीं अचीव किया तो गवर्नर फारिक इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद कि ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट सेंट्रल बैंकर को गवर्नर को फारिग कर दे इस बात पे कि जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो अचीव नहीं हुआ अब ये डिपेंड करता है कहीं पे ये है कि सिंगल क्वार्टर में भी नहीं अचीव हुआ तो आप उसे डिसमिस कर सकते हैं कहीं पे ये है कि कुछ टाइम के लिए कंसिस्टेंटली टारगेट नहीं अचीव हो रहा तो फिर आप उसको डिसमिस करेंगे लेकिन पॉइंट ये ये है कि ये है कि अकाउंटेबिलिटी अब इस अकाउंटेबिलिटी का फायदा ये है कि जब आपको पता है कि सेंट्रल बैंक जो टारगेट अचीव करता है उसका हमें बेनिफिट है और टारगेट नहीं अचीव करता तो वो उस पर अकाउंटेबल है तो फिर सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज के लिए पब्लिक सपोर्ट बढ़ जाती है क्योंकि पब्लिक को पता है कि सेंट्रल बैंक अगर टारगेट नहीं अचीव करेगा तो वो तो जो है उसको अकाउंटेबल ठहरेगा तो फिर पब्लिक सपोर्ट सेंट्रल बैंक के डिसीजन के साथ हो जाती है फोर्थ जो एडवांटेज है या बेनिफिट है वो ये है कि जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग स्ट्रेटजी है ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के साथ यानी कि आपके कंट्री में अगर डेमोक्रेसी है तो उसके साथ बड़ी अलाइंड है ये स्ट्रेटजी और वो कैसे कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो इलेक्टेड ऑफिशियल्स के सामने अकाउंटेबल हैं और वो इलेक्टेड ऑफिशियल जो एक्चुअली आवाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो मॉनिटरी पॉलिसी के गोल सेट करते हैं या आपने याद रखना है कि सेंट्रल बैंक टारगेट अचीव करता है गोल्स अचीव करता है गोल सेट कौन करता है इलेक्टेड पॉलिटिशियंस इलेक्टेड ऑफिशल गवर्नमेंट सेट करती है तो वो टारगेट सेट करते हैं सेंट्रल बैंक उनके सामने अकाउंटेबल है और सेंट्रल बैंक को यह अथॉरिटी दी जाती है कि जब टारगेट आपके सामने रख दिया गया गोल आपको असाइन कर दिया गया अब हम आपको ऑपरेशनल अटानमी या इंडिपेंडेंस देते हैं कि आप इंस्ट्रूमेंट्स और अपने टूल्स यूज करें इंडिपेंडेंटली ताकि आप वो टारगेट्स, वो गोल्स अचीव कर सकें तो ये तो बड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम हो गया कि जो अल्टीमेट है जिसको जिसके सामने जवाब दे सेंट्रल बैंक uh, वो कौन है अवाम का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और वही टारगेट सेट कर रहा है वही गोल सेट कर रहा है सेंट्रल बैंक के सामने और सेंट्रल बैंक को फिर अटानमी दी जा रही है इस चीज की कि आप उस गोल को अचीव करें फिफ्थ जो है वो इसका एडवांटेज इंप्रूव परफॉर्मेंस है और ये बेसिकली जो है ये इन अ सेंस ये एम्पेरिकल एविडेंस है कि जिन कंट्रीज ने इन्फ्लेशन टारगेटिंग स्ट्रेटजी अडॉप्ट की वहां पे इन्फ्लेशन काफी हद तक स्टेबल है और प्राइस स्टेबिलिटी वहां पे एनश्योर्ड है इसका मतलब यह है कि ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग स्ट्रेटजी की सक्सेस है जो आपको नजर आ रही है और वहां पे इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस भी एंकर्ड हैं मैनेज्ड हैं यानी कि लोगों की इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई नहीं है जिसकी वजह से वहां हाई इन्फ्लेशन होने के चांसेस बहुत कम है और याद रखें इन्फ्लेशन का फायदा यह है टारगेटिंग का कि अगर इन्फ्लेशन रेट एक दफा कंट्रोल हो जाए और लोगों की ये एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो जाएं कि सेंट्रल बैंक इसको कंट्रोल करेगा तो फिर वापस इन्फ्लेशन रेट बढ़ने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं और अगर ये क्रेडिबिलिटी सेंट्रल बैंक की ना बिल्ड हो सके कि इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल होगा तो फिर कभी इन्फ्लेशन रेट कम हो जाएगा फिर बढ़ जाएगा फिर कम होगा फिर बढ़ जाएगा फिर इन्फ्लेशन रेट परमानेंट बेसिस पे कंट्रोल नहीं हो पाएगा थैंक यू